भेजी भेजी शुरू करोग आप सब मीठा वैष्णवी विद गुड वाली टच। हेलो दगड़ियों, कंचा आप सब, आई होप आप सब भलवल और हम भी एकदम बढ़िया। और आज नए ब्लॉग के स्टार्ट करें, आज नए दिन से, तो चलो स्टार्ट करें आज नया ब्लॉग। और दिन है शुरुआत के लिए कि अब होने 7:30 में अब फले और अब मैं छत पे के लिए कि मंदिरा बर्तन वर्तन साफ करें ची के लिए कि जन्माष्टमी ना बहुत। फिर उसके बाद नीचे चल के नीचे का भी थोड़ा बहुत काम देखना है, उसके बाद मुझे जाना है 9 बजे मेरे ट्यूशन, क्योंकि यहाँ छुट्टी है ना। चलो फटाफट से बर्तन धो लेते हैं, अगले 2-4 ही बर्तन हैं ये, इन्हें साफ कर लेते हैं फटाफट से। और जीव का भी आ चुकी है ऊपर, गुड मॉर्निंग बोलो। गुड मॉर्निंग फ्रेंड। जीविका का ना जन्माष्टमी के जो प्रोग्राम थे ना, डांस प्रोग्राम, इधर आ। तो जीविका का डांस प्रोग्राम था ना जन्माष्टमी के, वो दोनों एक ही दिन होगा, क्योंकि एक आज था और एक कल था। आज था गढ़वाल ब्लॉक में, कल था कुमाऊं वो अनुष्का गार्डन में, लेकिन अब क्या हो गया, गढ़वाल ब्लॉक वालों ने भी कर दिया। पता नहीं अभी कैसे मैनेज होगा कि कहाँ जाएंगे, अभी इनके मतलब सर का फ़ोन नहीं आया है, मतलब मैसेज वगैरह कुछ नहीं आया है, तो देखते हैं कहाँ जाते हैं और कितने टाइम पर जाते हैं। मतलब नहा धो के हम तो रेडी हो गए थे, और उसके बाद हम ट्यूशन वगैरह भी जा चुके थे, और मम्मी गई थी शॉपिंग के लिए क्योंकि जीविका का कल प्रोग्राम है जन्माष्टमी का, तो फिर से उसे कल तैयार होना है और जाना है उसे गढ़वाल ब्लॉक जाना है शायद, वहाँ पे उनका डांस वगैरह है। तो मम्मी उसी का थोड़ा बहुत सामान लेने गई थी, उसकी ज्वेलरी वगैरह फूल वाली, तो हम देखते हैं मम्मी क्या क्या लाई है क्योंकि मम्मी वापस आ चुकी है। और चलो फिर देखते हैं मम्मी ने क्या क्या शॉपिंग करी। इसमें लाई है सेफ्टी पिन और एक मेहंदी की कीप। गाइस कैसी लग रही है, अच्छी लग रही है ना। फ्रेंड्स गुड मॉर्निंग, सबसे पहले आप सभी को कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। तो आज है कृष्ण जन्माष्टमी और आज उसी की तैयारियों में सब लगे हुए हैं सुबह सुबह, और सुबह की शुरुआत कुछ ऐसे ही हुई कृष्ण जन्माष्टमी की तैयारियों से। और अभी हम सब यहाँ पे मतलब काम वाम कर रहे हैं, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, और मम्मी बना रही है अभी मक्खन कृष्ण जी के लिए, तो अभी मम्मी उसे फेंट रही है। और जीविका अंदर आराम से बैठी हुई है। मौसम के नज़ारे तो बहुत सुंदर है ना, धूप लगी हुई है ना, मतलब हवा भी चल रही है थोड़ी बहुत, और क्लाउड्स इतने सुंदर लग रहे हैं। देखो कुछ इस प्रकार का व्यू है आज क्लाउड्स का, और बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहे हैं क्लाउड्स। और देखो सूरज महाराज क्लाउड्स के बीच में छुप गए हैं। काना जी का ये भोग भी है, भोग तैयार हो रहा है काना जी का। हमारा मक्खन पूरा रेडी हो चुका है, और रात को ये पहले हम चढ़ाएंगे भगवान जी को, उसके बाद इसे ग्रहण हम करेंगे। आज है मेरा फास्ट, और इसी वजह से मम्मी भोग वगैरह भी बना रही है। तो अभी नहा धो के ट्यूशन भी जाना है मुझे, और थोड़ा बहुत काम भी करना है, तो चलो पहले काम वाम निपटा लेते हैं, उसके बाद देखते हैं आगे का प्लान क्या क्या होता है। जन्माष्टमी पे व्रत रखना ना, मतलब मेरा दूसरा व्रत है ना मम्मी, पिछली बार भी रखा था ना। अभी मैं आ चुकी हूँ ट्यूशन से, और ट्यूशन मतलब जब मैं गई थी ना, तो ट्यूशन से आते समय मतलब मैं मंदिर में भी चली गई थी, क्योंकि मंदिर से मतलब ट्यूशन से आते समय एक मंदिर पड़ता है बीच में, तो मैं वहीं से मंदिर से मतलब कृष्ण जी का दर्शन करके भी आ गई थी। और अभी मैं पहुँच चुकी हूँ घर पर, तो अभी हाल फिलहाल में मतलब बहुत तेज़ धूप लगी हुई है देखो, और बादल भी लगे हुए हैं, धूप भी लगी हुई है, बादल तो उतने ही सुंदर लग रहे हैं, और धूप देखो कितनी तेज़ पड़ गई है अभी, ये देखो नीचे पानी में रिफ्लेक्शन। हमने अपने ना प्लांटर्स को एक नया लुक दिया है, तो उस लुक को मैं आपको दिखाती हूँ, कुछ इस प्रकार का नया लुक हमारे प्लांटर्स का।
तो ये प्लांटर्स है ना, ये पहले स्टेयर्स पे लगे हुए थे, लेकिन अब हमने उनसे स्टेयर्स पे ना कुछ ज़्यादा ही हो गए थे, स्टेयर्स पे भी अभी रख रखे हैं और इस साइड भी ना बहुत ज़्यादा हो गए थे, तो मम्मी ने उसे हटा के यहाँ पे रख दिए, क्योंकि जो प्लांटर्स है हमारे उनकी जो वो है क्या कहते हो ना, उनके जो नंबर्स है वो बढ़ते जा रहे हैं, कम नहीं हो रहे, तो इसी वजह से उसके लिए हमने नई जगह बनाई है और यहाँ पर भी हमने इसे रख दिया है, तो यही हमारा नया लुक। पहले प्लांटर्स तो हमेशा परमानेंट यहीं पर रहेंगे और देखो कितने सुंदर लग रहे हैं, ये यहीं पे थे और यहीं पे रहेंगे हमेशा। ने प्लांटे में ना बहुत ज़्यादा ग्रोथ कर ली है वहाँ से, अब वहाँ से भी हमें ऊपर के लिए लगाना पड़ेगा रोप, क्योंकि बिना रोप के वो चढ़ नहीं पाएगा, हाँ इधर को आना पड़ेगा उससे, और ये बिल्कुल देखो एक डिज़ाइन सा बढ़ जाएगा, इसे ना यहाँ पे से थोड़ा ऊपर करना चाहिए था तब वो अच्छा लगता वहाँ पे, हाँ अच्छा लगता फिर। तो भी जन्माष्टमी के जितना भी मतलब प्रोग्राम के ब्लॉग है वो आपको नए ब्लॉग में दिखाई देंगे, क्योंकि इस ब्लॉग को हम यहीं पे एंड करते हैं, ये ब्लॉग वैसे ही बहुत सारा लंबा हो गया है, तो जो आगे का प्रोग्राम है वो आपको नए ब्लॉग में दिखेगा, तब तक के लिए हमारे चैनल में बने रहना हमारे ब्लॉग्स में, तो मिलते हैं आपको नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब।